नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है और कल इस पूरी टेस्ट सीरीज का फाइनल बैंटर शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने काफी सारी बातें की। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी यहां पर अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 बता देते हैं। विल पोकोव्स्की, जो अपने सिर में चोट लगाते रहते हैं, एक बार फिर उनको चोट लगी है, तो यहां पर डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस की नई जोड़ी हम देख सकते हैं कल के टेस्ट मैच में। 3 नंबर पर मानस लैबुशेन खेलेंगे, 4 नंबर स्टीव स्मिथ, 5 नंबर मैथ्यू वेट, 6 नंबर कैमरन ग्रीन, 7 नंबर पर टिम पेन, 8 नंबर पर पैट कमिंस, 9 नंबर पर मिचेल स्टार्क, 10 नंबर पर नेथन लायन और 11 नंबर पर जॉश हेजलवुड नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ टिम पेन ने स्टीव स्मिथ के विवाद पर साफ कहा है कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टिम पेन ने यह भी कहा है कि स्टीव स्मिथ ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। दरअसल जब से ये थोड़ा सा सैंड पेपर गेट हुआ है ना, और स्टीव स्मिथ पर जो बैन लगा है 1 साल का, वो बड़ा हैरान कर देने वाला। उसके बैन लगने के बाद जब उस खिलाड़ी ने वापसी की है, वो डोमिनेट कर रहा है। उस खिलाड़ी की बैटिंग स्किल्स देखिए, सारी चीजें देखिए। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि क्यों लोग जो है ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि नहीं भाई, स्टीव स्मिथ ने चीटिंग की या ऋषभ पंत का गार्ड मिटाया। देखिए, अमूमन कोई भी बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है पिच पर या देखता है, और स्टीव स्मिथ जिस तरीके की शैली उनकी है, वो हमेशा जो है खुद से बात करना पसंद करते हैं। खिलाड़ियों को, अपने गेंदबाजों को बताते हैं कि बल्लेबाज किस तरीके से सोच रहा होगा, आपको गेंद कहां डालनी है। क्योंकि आखिरी दिन का जो इंसिडेंट है, जहां पर गार्ड मिटाने की बात हो रही है, नुकसान तब होता है जब पिच के बीचों बीच स्टीव स्मिथ कुरेदते उसको। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत किया या सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि स्टीव स्मिथ की वैसे कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाद में ऋषभ पंत ने भी इस पर अपोज नहीं किया। और ये बात जस्टिन लैंगर ने भी कही थी कि अगर स्टीव स्मिथ ने ऐसा कुछ कहा होता तो फिर यहां पर थोड़ा सा एक अलग चीज होती, या फिर ऐसा कुछ किया होता तो भारतीय टीम इसे अपोज करती। लेकिन इसका अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिस बात का डर था उस डर को एक बार फिर बढ़ा दिया है टिम पेन। हालांकि भारतीय टीम इस बार डरने वाली इस तौर बिल्कुल नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि यहां पर टिम पेन ने साफ कह दिया है कि चौथे टेस्ट मैच में, यानी कि गाबा टेस्ट में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है, स्टीव स्मिथ विल बी एट हिज बेस्ट, यानी कि स्टीव स्मिथ अपने चरम पर होंगे, अपनी फॉर्म में होंगे। हम सभी जानते हैं कि स्टीव स्मिथ जब फॉर्म पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं। तीसरे टेस्ट मैच में लगभग उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया की लाज बचा दी, एक पारी में शतक और दूसरी पारी में 81। जबरदस्त तरीके से स्टीव स्मिथ ने एक तरीके से भारतीय टीम को फंसाने में मदद की। शुरुआती 2 टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ नहीं चले, जहां पर भारत ने पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ को लेकर काफी बड़ी बात टिम पेन ने कह दी है, और एक तरीके से भारतीय टीम को चेतावनी दे दी है कि स्टीव स्मिथ से अब बच के रहिएगा। अब देखना होगा कि स्टीव का जादू चलता है या भारतीय टीम अपने इरादों को और मजबूत करते हुए कंगारुओं को खदेड़ने का पूरे तरीके से दमखम रखती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अपने सवाल भी हमें भेजते रहिए और हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।